हेलो एंड वेलकम टू सिनेस पिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आपको टबर शो के लिए। तो सबसे पहले आप बताएं आपका दिन की शुरुआत कैसे हुई आज की? थैंक यू सो मच। दिन की शुरुआत एज यूजुअल सुबह उठ के मैं पानी पीता हूँ एक लहसुन के साथ, फिर मैं चाय और कुछ ड्राई फ्रूट खा के चाय पीता हूँ जो रात को भिगे होते हैं, फिर एक जूस पीता हूँ, फिर फ्रूट खाता हूँ। दिन की शुरुआत एज यूजुअल थी और ऑफकोर्स एक एक्साइटमेंट थी कि अभी रिलीज़ होने जा रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वाले आएंगे और हमारे टब्बर के बारे में बात करेंगे जो 15 को रिलीज़ है, तो वो एक थोड़ा सा रहती है एक्साइटमेंट। फिर पहुंच गए और फिर वापस यूनिट को मिले तो एक मस्ती मजाक। तो दिन अभी तक तो आधा दिन बीत गया तो अच्छा ही बीता है फिलहाल, भगवान करे बाकी भी ऐसी अच्छा ही जाए पॉजिटिव। यस, और टब्बर नया शो आ रहा है तो पहले तो आप बताइए टब्बर का मीनिंग क्या है? टब्बर पंजाबी में टब्बर शब्द जो है वो फैमिली के लिए है, परिवार के लिए। और आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा, जबकि मुझे बोला गया कि मारवाड़ी टाबर बोलते, और फिर ये भी बोला गया कि इंक्विजिटिव होंगे लोग, जानना चाहेंगे, जिज्ञासा होगी कि ये टब्बर का मतलब क्या है, तो वो इसी बहाने वो जानने की कोशिश करेंगे। और अगर माउथ पब्लिसिटी हुई, लोगों को पसंद आया हमारा शो और एक दूसरे को बताएंगे, जैसे ग्रहण के टाइम हुआ है तो अपने आप ही टब्बर शब्द, तो इसी बहाने हिंदुस्तान एक नया शब्द सीखेगा, टब्बर, परिवार, फैमिली। तो टब्बर के ट्रेलर में तो हमने जान ही लिया है कि ये फैमिली मैटर बहुत करती है, तो आपका इसमें कैसा रोल रहेगा? मैं फादर का रोल कर रहा हूँ परिवार में। सुप्रिया मेरी वाइफ हैं और दो बेटे हैं और एक भाई और भाभी और भतीजा है जो अलग घर में रहते हैं, तो एक कहानी इनके बारे में। और फिर ये जो है फैमिली मैटर्स, ये किरदार जो है जो मैंने प्ले किया वो फैमिली को अपनी संभालने के लिए, यू कैन गो टू एनी लेंथ। तो जैसे कि बात करें आपकी जो पहली सीरीज थी इसके पहले ग्रहण, उसमें भी आपका कैरेक्टर काफ़ी सस्पेंस भरा था, तो इसमें कितना सस्पेंस होगा? क्या ये थ्रिलर ज़्यादा है? ये सस्पेंस कम और थ्रिलर ज़्यादा है। सस्पेंस ये हो सकता है कि ऑडियंस ये सोचे कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब कैसे हैंडल किया जाएगा, अब क्या होगा, ओ अच्छा ये भी हो गया, इस तरह का। ये थ्रिलर है, सस्पेंस कम है। उसमें तो फिर भी सस्पेंस था कि बाद में बहुत सारी चीज़ें रिवील हो, इसमें तो कई बार ऑडियंस शायद किरदारों से भी आगे होंगे कई बार। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट शो, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय डूइंग अबाउट। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी सारे एक्टर्स के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, ग्रहण भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सेम प्रोड्यूसर था, तो यहाँ पर टू बिगिन विद वेरी गुड प्रोड्यूसर, वेरी गुड स्क्रिप्ट, वेरी गुड डायरेक्टर एंड वेरी गुड को आर्टिस्ट, द कास्ट इज सो गुड, एवरीबडी इज वेरी गुड एट द जॉब एंड वेरी गुड एक्टर्स एंड देव ऑल डिलीवर्ड। जब आप देखेंगे छोटे से छोटा किरदार ने भी बिल्कुल अपना रोल टू द टी निभाया है। तो कभी कभी होता है ना कि एक कोलाज बना है वो अपने आप चीज़ें ना सेट हो जाती हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट भी आ गई, एक डायरेक्टर भी अच्छा मिल गया, कास्टिंग बहुत अच्छी हो गई। दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्री केसेज। आई नो एवरीबडी सेज कि अरे उस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा, बट जनरली वी एंजॉयड इट, वी हैड फन। ऑफकोर्स काम के टाइम काम पे फोकस रहा है, बट पंजाब में हमने जो भी 2 महीने बिताए इट वॉज रियली फन एंड आई रियली 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 एंजॉयड। आई एम थैंकफुल टू गॉड। देखिए मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जब मैंने हिंदी फिल्में शुरू की तो सलीम लंगड़े पे मत रोकी और बैक टू बैक बाग बहादुर की, जब पंजाबी फिल्में शुरू की तो पंजाब 84 की और बैक टू बैक ए जन्म तुम्हारे लेके की। अब वेब सीरीज शुरू हुई है तो पहले मैंने ग्रहण किया है और फिर अब मैं टब्बर किया है, दो एकदम अलहदा किरदार, दो एकदम अलहदा कहानियाँ। सो आई हैव बीन थैंकफुल टू गॉड, गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू मी, यू नो। और इतने सालों में जो भी एक जगह बनी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इंडस्ट्री के कोलाज में मेरी फ़ोटो नहीं है लेकिन एक कोने में मेरा एक डॉट है जो मेरा कोना है। सो भगवान की कृपा रही है और आई हैव रियली एंजॉयड, और आशा करता हूँ कि आगे जाकर भी जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे, भगवान काम दिलाता रहेगा, प्रोड्यूसर बुलाते रहेंगे, हम करते रहिए जितना भी जीना है मालूम है। और आपकी जो OTT की जर्नी रही है ग्रहण से और टब्बर, ग्रहण मैंने पूरी देखी है वो, उसमें आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रहा है, आपने हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से निभाई भी है, तो इसमें ऐसा आपका क्या कुछ अलग दिखने मिलने वाला है? बिल्कुल अलग है ये किरदार ग्रहण से, बिल्कुल अलग है। और आई कांट टॉक अबाउट इट बिकॉज इज अ थ्रिलर, बिकॉज व्हेन अगर आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप कहानी रिवील करते हैं, वी वुड लाइक ऑडियंस टू वॉच इट, यू नो। और जहाँ तक प्रोडक्ट का सवाल है,
the producer, the director, writer, platform, they are very thrilled and very happy about it. So I hope abhi 15 tarikh se ball hum phenk rahe hain audience ke court mein aur aasha karta hu ki audience ko pasand aayega aur agar pasand aaye to please tell your friends also to watch it and yes. और जब भी ये शूट हो रहा था तब डायरेक्टर कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे शूटिंग के वक्त? नहीं, स्ट्रिक्ट वाले तो देखिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही एक पूरी कास्ट जब वो एक सर्टेन डिसिप्लिन में रहती है कास्ट पूरी, वो ऐसा स्ट्रिक्ट उनको होने की ज़रूरत नहीं थी और डायरेक्टर कुन शाउट एट अस बिकॉज डायरेक्टर का वोकल कॉर्ड्स का ऑपरेशन हुआ था तो वो धीरे धीरे आवाज़ वापस आ रही थी, उस वक्त बहुत नीचे थी यू नो, तो हम जोक करते थे कि अच्छा डायरेक्टर कांट शाउट एट अस, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कभी ऐसा लगा नहीं है। बट ऑफ कोर्स एक्टर्स ही इस तरह के थे, वो अपने किरदार पे काम कर रहे हैं और डायरेक्टर को सुनना चाहते हैं। सेट पे एवरीबडी वाज डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि गायब हो गए या कुछ हो गया, ऑफ कोर्स वी वर हैविंग फन एंड लाइट मोमेंट, पर वो जहाँ शॉट चल रहा होता है उससे अलग ही हटके होते हैं, तो दैट वे एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ एंड आई थिंक डायरेक्टर इज क्वाइट हैप्पी विद द वे एक्टर्स वर्क एंड दैट इज एक्टर्स जॉब, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप काम करने आए तो काम पे तो फोकस रखना होगा। और सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बनी है आपकी? देखिए सेट पे ना, आप जितनी भी मैंने काम किए, कभी भी मौका मिले किसी से पूछेगा, मैं सेट पे सबसे बात करता हूँ, सबसे मेरी दोस्ती होती है, स्पॉट बॉय से भी होती है, लाइट मैन से भी होती है, सबसे होती है यू नो, और विद एक्टर एंड ये दोनों जो बेटे कर रहे हैं और भतीजा कर रहा है, जस्ट टू मेक देम कम्फर्टेबल आई स्टार्टेड देन आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम, दे ऑल्सो गॉट रिलैक्स्ड, पहले एक दो दिन ऐसे देखते थे बट आई वॉज जोकिंग विद देम, जो अपने फ्रेंड सर्कल के लेवल पे करते हैं ना, बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू गेट कम्फर्टेबल एंड रिलैक्स। ओके, एंड लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे टब्बर शो के बारे में? 15 तारीख को टब्बर आ रहा है, प्लीज़ डू वॉच इट, प्लीज़ डू वॉच इट, प्लीज़ डू वॉच इट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शो, पर अभी ये तो आप लोग बताएंगे और जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे, तो टब्बर देखिए। हाँ तो बहन और भाई, 15 तारीख को टब्बर आपके घर पर है तो देखिएगा, सोनी लिव पे। थैंक यू सो मच।